बरसातां आंदे ही कारपोरेशन दे अते प्रशासन दीआं पोलां खुल्लण लग जांदीआं। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सिटी होम न्यूज़ ते मैं जसप्रीत कौर। बरसातां आंदे ही कारपोरेशन दे अते प्रशासन दीआं पोलां खुल्लण लग जांदीआं और तुसीं सारे पासे लुधियाना शहर जिहड़ा इन्ना वड्डा महानगर होवे ते उहदीआं सड़कां दा आ हाल होवे, तुसीं मैं कैमरामैन नूं कहूंगी दिखाओ। असीं इत्थे खड़े हाँ मोती नगर दे विच, जिथे कि बिल्कुल एक्स कौंसलर जिहड़े बलविंदर सिंह संधू है उहनां दे घर दे बाहर असीं बिल्कुल खड़े हाँ। तुसीं देख सकते हो इत्थे आम जिहड़ा पैदल यात्री है बिल्कुल निकल ही नहीं सकदा बिल्कुल, और कारां वालिआं दा वी इत्थे की हाल है। आम जिहड़े टू व्हीलर वाले वह तो बिल्कुल ही बड़ी मुश्किल नाल जांदे, थले डिगण दा डर हुंदा है और तुसीं देख सकते हो हाल इत्थे जिहड़ा गटर दा पानी है यदि कोई निकासी नहीं दिखाई जा रही। लोग जोड़े एरिए लोग ने बहुत परेशान ने, उन्होंने यह कहना कि साडा ए इस पास एम एल ए साहब का इस पास कोई रुझान नहीं है, कोई बिल्कुल भी इस पास ध्यान नहीं दे रहे। असी काफ़ी टाइम तो पानी की समस्या के नाल जूझ रहे हैं। हाँ जी, तुम इस रोड तो किन्नी कु वारी लंघते हो? ਸਾਡਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਜਦ ਦੀ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੱਡੇ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਇੱਥੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਭਈਆ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਰਪੁਰ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸੇ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੋ ਕਿਆ ਹੁਆ? बाबू जी की तो मतलब गिर गया था काम पे से। अच्छा, ये रोड ऐसे ही है हमेशा से? सही है, बहुत दिन हो गए। ये मुश्किल नहीं होती ऐसे मोटरसाइकिल पे लेके? मुश्किल तो होती है, क्या करें। तो एरिया के MLA साहब से पुकार नहीं लगाई आपने? नहीं, करना पड़ेगा। बड़े बड़े भी आप रहते हैं उधर, यहाँ पर ये नहीं करते तो हमारे गरीब आदमी क्या करेंगे। तो यहाँ से निकलने में मुश्किल होती है? सब मुश्किल, बहुत ज्यादा। तो तुसी देख सकते हो जो टू व्हीलर वाले लोग है, देखो ये बीमार ने शायद, तो किस तरह निकल रहे हैं इतों की। और देख सकते हो जो बाउंड्रीज ने, इतने भी हरियाली छा चुकी है। इन्ना बुरा हाल है कि पैर रखा भी नहीं जा रहा, इतने फिसलन हैगी है, इन्नी बहुत बुरा हाल है। आम बंदा इतने बिल्कुल भी नहीं इतने सर्वाइव कर पा रहा। असी एरिए दे जिहड़े कौंसलर ने उन्हां नाल कोशिश कर रहे हैं गलबात करन दी, जिद्दां ही पॉसिबल हुंदा तुहाडे नाल गलबात भी कराने आ ते MLA साहब नाल भी गलबात करवाउण दी कोशिश करदे आ। साडे नाल इत्थे मोती नगर दे जिहड़े एक्स कौंसलर ने मनदीप कौर जी, उन्हां नाल गलबात करदे आ, नाल डॉक्टर साहब भी ने, नाल दे उन्हां दे पड़ोसी, उन्हां नाल भी गलबात करन दी कोशिश करदे आ। सति श्री अकाल मैम। सति श्री अकाल बेटा। मैम, तुहाडे घर दे बाहर ही गटर वाला पानी इन्नी चिर तों खड़िया होया है, की तुसीं अग्गे अपील करन दी कोशिश नहीं कीती जां अपने दम ते तुसीं कोशिश नहीं कीती उहनूं सुलझाउण दी? सति श्री अकाल जी सारिआं नूं। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਟੋਇਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। चंडीगढ़ रोड से सफाई हो रही है, उत्थे सफाई हो रही है, पर 15 दिन च हो जाऊगा, मतलब यही बहाने सुन लगते रहते हैं, वेरी वेरी टफ। आओ जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, तुसी की कहना चाहते हो? मैं कहना चाहना जी, ये बरसात का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जड़ी हैगी है, पहले हर संडे से संडे शुरू होंदी सी, वो मोती नगर का जो गटर है ये रोड के एंड खोल दिता जाता है, तो पहले सारा इतने गोहा आता हूँ, गोहे की जगह हूँ सारा गटर आता है, तो बहुत स्मैल हैगी है। वो सामने मेरा क्लीनिक है, मैं कैमरामैन जी को कहूँगा कि वो क्लीनिक दिखाओ, उत्थे एमरजेंसी भी पेशेंट आते, किसी भी मरीज तो क्लीनिक आना औखा हैगा, साह लैना भी औखा हो जाता, असं अपने दरवाजा नहीं खोल सकते। इत्थे बरसात का मौसम हुण मच्छरां दा घर बीमारी का घर होना है, तो इस करके असी प्रशासन नूं बड़ी बारी मौके दे, इस साल की गल नहीं हैगी, बड़ी देर तो ज एरिया जिहड़ा कांग्रेस के भी जिहड़े कौंसलर सीगे उन्हां नूं भी असी किहा, जिहड़े आप दे जिहड़े अजकल ने उन्हां नूं भी असी किहा, पर मैनूं लगदा नहीं है भी इसका कोई हल हो रहा है। जे नहीं कोई हल हो सकता तो मेरी प्रशासन तो गुजारिश है भी इस सड़क के उस पासे नूं नाला घोषित कर दिता जाए,
ਜਦ ਕਿ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਪਾਸ਼ ਏਰੀਆ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ
तो ये वाला जो पानी है ये फिर बाद इन्नी स्मैल आएगी ये आम जे घर वाले लोगों ने उन्होंने वास्ते भी सेहत वास्ते बहुत हानिकारक है। तुहानू की लगता कि आप चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस सी तुहानू वोटां पा के की नतीजा मिले? नहीं देखो इस चीज़ को ना तो असं पोलिटिसाइज करना चाहते हैं ना कहना चाहते हैं भी वो खराब सी ये खराब सीगा असं तो कहने साडी सड़क खराब है साडा बूहा खराब है जेड़े भी मौके पर प्रशासन हैगा वो इस ठीक करन दी कोशिश करन इस हिस्से की भी कोई सुरत लैन ये साडा कोई मतलब नहीं है भी वो पार्टी खराब है या ये पार्टी खराब है सारे चंगे ने जिहड़ा इस चीज़ का हल कर ले वो चंगा है। हाँ जी तुसीं की कहना चाहते? मैं भी यही कहना चाहना जी मैं राम दरबार मंदिर तो आया जनरल सैकटरी है तुम एक बार उत्थे कैमरे च देखो किन्ना पानी खड़ा है मंदिर के जोड़े भगत आते उन्होंने की पोजिशन होएगी उत्थे गार पई हुई है जब भी पानी आता गटर चो निकलता सड़कों तो फॉलो कर सारा फ्लो करके राम दरबार मंदिर आता साडे भगत किस तरह आन किस तरह जान साडे उत्थे बेसमेंट का हाल भी बने हुए हैं हाल भी बने असी भोग वगैरह लिए दिने लोगों एक साडा कल का 20 तरीक का प्रोग्राम से कैंसल करा के कहते साडे लंघन की तो जगह नहीं है किदा जाइए असं तो मंदिर नूं तां इन्नी जबरदस्त नुकसान है जिहदा कोई हिसाब नहीं ये प्रॉब्लम बड़ी देर की तुरदी आ रही है हुण प्रॉब्लम यह है कि बारिश का पानी नहीं हुंदा बहुता जिन्ना गटरां चो चल चल के उत्थे आई जा रहे असीं हुण जिहड़े प्रशासन नूं गुहार लाने की कोशिश की MLA साहब नूं MLA साहब नूं मौका दिखाया बुला के MLA साहब कई प्रोग्रामा ते कई भोग ते आंदे है मिलदे है सानूं उन्होंने दसते हैं उन्होंने दिखाने हैं सानू तो यह कहा जाता है जी बस यदा एसटीमेट बन रहा है बस ये टेंडर लग रहे हैं असी इतों पाइप पावे ये पाइप नाल पानी निकल जाऊगा गलियां बातियां होंदा तो कुछ भी नहीं असी गल्लां सुनते तो 6 महीने हो गए MLA साहब तो बिल्कुल जिवें नाल कॉलेज भी लगता गवर्नमेंट कॉलेज मैम ने भी दसिया तो आने वाले इतने जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने कितनी दिक्कत होंगी होगी डेली जो रोज़मर्रा के इतने लंघन वाले ने स्टूडेंट्स की दिक्कत है तो कोई काउंट ही नहीं है वो तो क्लासा बंद हो जाए जब पानी नाल भरे तो कॉलेज आना की नहीं है कॉलेज बंद कर डिकलेयर कर देंगे हो गए या फिर स्टूडेंट आते नहीं हो गए ये तो बहुत बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है इस करके प्रशासन कोई गल सुने असं किसी को सुनाइए हूँ असी वो जेडे मतलब MLA इलेक्ट होने हैं वो भी गेड़ा मार गए वो भी सानू कह गए जी हंप भी बना रहे हैं असी इतने पाइपा भी पवा रहे हैं पर जब पवाओगे उदों की गल है सन तो 1.5 साल हो गए चीका मारद सुनता कोई नहीं है हल तक कोई हल अज तक तो होया नहीं कल का तो राम ही जाने तुसी पिछे देख सकते हो कि गुरुद्वारा सिंह सभा भी पिछे हैगा राम दरबार भी है और जैन मंदिर भी इतने कोल ही है और जोड़ा इतों लंघ है वह इन्ना कु गंदा है कहने की हद नहीं कि आम बंदा जोड़ा इतों लंघ के नहीं आ सकता इतने तो असी इस टाइम खड़े हाँ लुधियाना शहर के मोती नगर के लागे जो 39 सैक्टर पैंदा है असी उत्थे खड़े हाँ जिते कि आम जोड़े कोई भी है चाहे वह सिख है हिंदू है कोई भी है मंदिर गुरुद्वारे तो उन्हें आना ही हुंदा है तो उतों लंघ के आना किन्ना औखा है मशक्कत का काम उन्होंने लिए बन रहा है गलबात करते इतने नाल पंडित जी भी है उन्होंने गलबात करते सत श्रीकाल जी जी सत श्री अकाल जी जय सीताराम यहाँ भक्तों को बड़ी दिक्कत होती है आने में पानी पानी हो जाता है जो यहाँ के गटर हैं उनको देखभाल नहीं की जाती है इसलिए जो है इसको विशेष इसको जो है करना चाहिए ताकि भक्तों को कोई मंदिर आने में दिक्कत ना हो धन्यवाद। हाँ जी तुसी की कहना चाहते हो? मैं प्रशासन को बेनती करता ये पब्लिक का बहुत बड़ा धर्मस्थल है तो जिते कि पब्लिक को आने लगे बड़ी दिक्कत आती है रस्ते गंदगी इन्नी और स्मैल इन्नी आ रही है जिंद ने वेख के साडा भी सरमना सिर झुक जाता है और मंदिर बनियो 3-4 प्रोग्राम जो लोग आए हैं बुक इतने भोग वास्ते विशेष व्यवस्था है जिसे कि 3-4 जिन्हें मरगा हुई ने और चाहे बुक कराने इस करके कैंसल करा गए हैं कि इतने जी गंदगी है और मंदिर से और ना तो इन्ना गंदा प्रभाव पै रहा है जिन्हों वेख के साडा भी सरमना सिर झुकता है और लोग भी सानू इस गल जबकि हाइक प्र पब्लिक की प्रॉपर्टी है लेकिन जिहड़े इत्थे बैठे ने मौजूदा मैंबर जिहड़े काम करते हैं या वर्कर उन्होंने वो शर्मसार आ करते हैं भाई साहब ये मंदिर है तो ये की हालत है आके देखो
और इस करके मंदिर की भी बदनामी होंगी है और साढ़े धर्म की भी नाम ठेस लगती है, नाल गुरुद्वारा भी है, नाल मंदिर भी है, नाल जैन मंदिर भी है और इस करके प्रशासन मेयर रिक्वेस्ट की जाती है इस खास ख्याल रखा जाए और जल्द तो जल्द जिन्ना भी हो सके सख्त कदम उठा के साफ रहे। हाँ जी वे मैं जिस तरह कह रहा थोनू कि रस्ता सारा खराब है, जो भी भगत आना भगतान ने आना है पानी तो पानी ये नाल गार बड़ी खड़ी होंगी और स्मैल इन्नी जबरदस्त आती है कि साढ़े लोगों का भी बहना मुश्किल है। उधर पार्किंग देखो सारा पानी नाल भरया पै, लोग आते तो गड्डिया कितने खड़िया करन। साडा कल का एक बड़ा वधिया प्रोग्राम सीगा लेकिन वो शहर के बड़े गन मान्य लोग आने से वो लोग कल आके कैंसल करा के कहते जी इन्नी बदबू के होगा, जिस प्रशासन कारण साढ़े मंदिर के सारे काम ही खराब होने हैं फिर असी की करांगे। असी बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, MLA साहब कई बार भोग ते आंदे उन्होंने सारा हाल दिखाया है, वो सानू ये कह जांदे जी एस्टीमेट बन रहे हैं, पाइपां पै रही होगा, कदों होगा तो किसी ने नहीं पता, पर असी तो अज भुगत रहे हैं की हो रहा साढ़े नाल, अज मंदिर नू लॉस हो रहा है जिहड़ा कि असी कल कोई भोग करदा लोकल बंदा हुण नव दुर्गा मंदिर जाऊगा उन्होंने कितनी दिक्कत आऊगी, 150 कारां उन्हां दी उत्थे तक जाणगियां, नहीं तो अगले कहिंदे असी इधर 39 सैक्टर रहिंदे हां साडा मंदिर प्रेस्टीजियस पॉइंट है असी इत्थे करांगे, बट कर नहीं पा रहे क्योंकि प्रशासन की लापरवाही है पूरी तरह नाल। इस करके मैं तो यही रिक्वेस्ट करांगा कि जिन्ना जल्दी तो जल्दी हो सके इहदा हल कढ़िया जावे ताकि असी भी चैन की नींद सौ सकीए और भगत भी आने वाले इज्जत मान नाल आन दर्शन करन अपना पाठ्यक्रम करन ते जान। साडे नाल आम आदमी पार्टी के MLA दलजीत सिंह भोला गरेवाल जी ने मौजूद ने, उन्होंने गलबात करने की कोशिश करते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार सारे जी। सर सब तो पहले तो यह दसो कि जोड़ा मोती नगर का इलाका है वो जोड़े लोग ने बहुत परेशान ने, जोड़ा गटर वाला पानी वो कहते बारिश का पानी नहीं उधर आता गटर का पानी आता है, उतो ढलान छी हुई है, असी बड़ी बारी शिकायत दतिया हुई हैं पर सा कोई सुनवाई नहीं, की कहना चाहते हो? वो जो विधानसभा हल्का पूर्वी की मैं गल करदा तो सीवरेज की समस्या पूरे हल्के क्योंकि अनप्लान सारा काम हुए हैं, अज पिछलिया सरकार ने जोड़े जिन्हें भी काम हुए हैं बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं होया, अनप्लान अज इस करके समस्या का सामना करना पा रहा, पर उन्होंने असी जड़ तो हल कर रहे हैं। वह जो 39 सैक्टर की गल करते हो, मोती नगर की गल करते हो, वो जो हालात उत्थे बाकी काफ़ी टाइम तो, पर यह जरा सीवरेज जाता वा समराला चौंक तो होंदे हुए शिंगार रोड से जाता वा तो वो करके प्रॉब्लम से वो हूँ जो एक फाल्ट असी लभ्या तकरीबन 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने असी जूझदियां तो फाल्ट हूँ समराला चौंक के नाल ही उत्थे फाल्ट मिलिया, वो अंदर दीवार की हुई थी जिहड़ा 6 फुट का जिहड़ा सीवरेज है वो अद्धी दीवार की सी, उहदे करके वह सीवरेज रुकता गया रुकता गया, अज वह बिल्कुल जाम लग गया पिछे पिछे, मतलब कि समझ लो लेंटर बन गया, तो हुण उहदी सफाई लगातार चल रही है हर रोज़ रात नूं चल रही है। तो एक जिहड़ा मोती नगर की गल करते हैं वो 39 सैक्टर मोती नगर इसे करके प्रॉब्लम सी जी, मोती नगर की गल करते हैं मोती नगर जिहड़ा एरिया सब तो सारा उच्चा वा, जदों कदे बरसात आउंदी आ तो वह सीवरेज तो उन्ना ही है, वह बरसात आना पिछों एकदम के मारता तो सारा ओवरफ्लो हो जाता, वो वास्ते असी एक लैन बरसाती पानी वास्ते एक एस्टीमेट बन गया, वो चंडीगढ़ बैठ होने वास्ते गया हुआ वो तकरीबन 1,60,00,000 रुपए का, वो सारा ही असी जिहड़ा ताजपुर रोड से मतलब के दरिया वाले पासे लैके आना जिहड़ा बरसाती पानी उत्थों पा के मोती नगर तक उत्थे सारा 39 सैक्टर वाले पासे वो सारा बरसाती पानी असी उधर लियावांगे, तो फिर सीवरेज की समस्या भी खत्म हो जाऊ, तो बरसात वाली जी एकदम बरसात होंगी वह भी हल हो जाऊगा, वो असी हल जड़ तो कर रहे हैं। जी प्रॉब्लम ने जड़िया समस्या ने यह सानू मतलब कि इन्होंने समझ लो कह सकते गिफ्ट करके गए पुरानी सरकार, पर असी सही कहा जाए तो हूँ 1.5 साल तो उपर हो गया, कदों तक एक सवाल भी यही खड़ा होंगे कि कदों तक पुरानी सरकार के असी रोने रोंद रहेंगे। ठीक है, दूसरी गल जे उ आम जी मान सरकार हैगी सेहतमंद समाज का दावा करती है और तुम उ जाके देखो इन्ना मच्छर मक्खियों का माहौल है, बरसात के दिन है वैसे भी तुम्हें पता कि बीमारियां फैलदियाँ, तुम बारे की कहना चाहते हो? जिहड़ी तुसीं कहिंदे हो 1.25 साल हो गया साडी सरकार बणी नूं, 1.25 साल तां अपना घर नहीं बणदा, एक आपां घर बणाउण लग जांदे आं नीं रखदे आं ते घर बणा के अंदर बणना वे 1.25 साल दे विच अंदर नहीं बण सकदे, पर जिन्ने कम आम आदमी पार्टी सरकार ने साडे मानयोग मुखमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी वल्लों 1.25 साल च हो गए ने, पिछला रिकॉर्ड कढ के देख लो जिन्नियां गरंटियां मतलब कि दित्तियां सी उह शुरुआत हो गई आ, ते इह वी जिहड़ा समस्या वा ये नहीं सीगा वी मतलब कि जादू बजना सीगा, इह वी समस्या दा हल असीं प्रॉपर कर रहे हां, हुण तुहानूं 2 महीने दे बाद इतने कोई समस्या नहीं मिलेगी, मतलब तुहाडे कहने दे मुताबिक हुण जिहड़ी आ समस्या है आने वाले 2 महीने दे विच खत्म हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने च जिहड़ी सीवरेज की समस्या बरसाती पानी वाली
वह 2 महीने बिल्कुल एन मतलब के सारा समूथली चलूगा वह हल होजूगा। जो बरसाती पानी की गल की जाए कई एरिए ने जिमें गिल रोड लगा लो या घंटाघर लगा लो कोई किन्ने रोड इदा के ने जोड़े बरसात के पानी के नाल जो हले सड़क हजे ताजिया बनिया से टुट के फिर उदा ही हो गए जिमें कि मुद्दत तो सड़क नहीं बनी होंगी वास्ते प्रशासन किन्नी कु हद तक कह मान सकते हो कि जिम्मेवार है। मैं तुम्हें दसी जाना भी आम आदमी की सरकार आम आदमी वास्ते काम कर रही आ ये जिहड़ा साडे मतलब के सवा साल दे विच असीं मतलब के लगे हुए भी इहनूं जड़ तो पट्टिया जाए पर पिछलियां सरकारां ने की किया जे उन्होंने प्लान ना काम किया हुंदा सिस्टम ना काम किया हुंदा पूरे लुधियाने शहर का जिहड़ा दरिया वा बुढ़ा जिहनूं बुढ़े दरिया नूं बुढ़ा नाला बनाता इन्हां दीआं गलत नीतियां करके अज जे उन्होंने मतलब के ढंग ना काम किया हुंदा वो सारा बुढ़े दरिया दे विच सारे शहर का बरसाती पानी जा सकता सी पर कोई उहदा प्लान नहीं किया सारा अनप्लांड सिर्फ अपने मतलब के बिजनेस चलाए तो लोगों वास्ते कोई नहीं सोचा तो उहदा मकसद सीगा जे सही जिवें चंडीगढ़ दे विच एक नाला जांदा वा वो सारे मतलब के शहर का पानी चंडीगढ़ का उस नाले विच आ के मतलब के घंटे विच अद्धे घंटे च खत्म हो जाता वा तो इत्थे भी हो सकता सी जिहड़ा बुढ़ा दरिया वा शहर के विच दी चलता जे प्लान किया हुंदा सारे शहर का पानी बरसाती पानी बुढ़े दरिया जांदा तो इहदा मकसद पर असी मतलब के कोशिश कर रहे हैं। मैं तुहानूं दस रहा भई असी जिहड़ा 39 सैक्टर तो वो बुढ़े दरिया दे विच लैके जा रहे हैं तो आह जिहड़ा टिब्बा रोड वाला भी बुढ़े दरिया के मतलब के बरसाती पानी की लाइन पाउण लगे ये भी मतलब के एसटीमेट हो गए हैं भी चल रहे तो जिहड़ा राहों रोड ते कलाश मतलब के सुभाष नगर रोड उहदा भी सारा मतलब के उहदा प्लान चल रहा क्योंकि इधर मेन रोड बनता सी जीटी रोड बनता सी जिहड़ा फ्लाईओवर बनता सी उहदे करके थोड़ा टाइम लग गया तो उहदा भी असीं मतलब के प्लान कर रहे हैं भी इहनूं जिहड़ा बरसाती जदों बरसात पवे तो पानी सारा दरिया के विच आ जावे सीवरेज ना जावे जदों बरसाती पानी दरिया के विच आ गया सीवरेज तो लग रहा तो सीवरेज की समस्या भी नहीं होगी तो बरसात का जो पानी खड़ता वह भी हल हो जाएगा। मतलब जो बुढ़े नाले का प्रोजेक्ट है वो फिर उत्थे दा उत्थे ही खड़े है मतलब बुढ़े दरिया का जो प्रोजेक्ट वो चल रहा उसके वास्ते जिन्हें प्रोजेक्ट ने जो 650 करोड़ का वो एस टी पी मतलब के चल हो गया 300 मतलब के 25 करोड़ का और आई पी एस मतलब के चालू हो गया इतने अपने टिब्बा रोड के उत्ते और आई पी एस एक मतलब के शमशान घाट को बन रहा वा एक बुढ़े दरिया के उत्ते जे अगे नॉर्थ हल्के बेस्ट हल्के उत्थे भी आई पी एस बन रहे हैं तो वो जिहड़ा पानी मतलब के बुढ़े दरिया सीधा सट रहे हैं सीवरेज का मैं बरसाती पानी की गल करदा बरसाती पानी तो असं दरिया लैके आना वा पर जिहड़ा सीवरेज का पानी बुढ़े दरिया जा रहा है उसनू असीं बंद करके ट्रीटमेंट प्लांट ते एक इधरले पासे एक जिहड़ा उधरले पासे मतलब के परली साइड लग रहा तो उत्थे उह लैके जावांगे। ये बुढ़े दरिया का तकरीबन जिहड़ा गंदे पानी की गल करदे आं जां डैंगां दे पानी की गल करदे आं उहनां नूं भी 31 मार्च तक 2024 तक टाइम दित्ता जिहड़े साडे प्रोजेक्ट ने वो भी 31 मार्च 2024 तक वो साढ़े कंप्लीट हो जाने ने यह बुढ़े दरिया का समस्या तो हल करांगे। साडा मकसद आ हल करना मान साहब की सरकार मान साहब की सरकार लोगों वास्ते आम आदमी चाहिए भी है कि जे लोगों ने आम बंदे ने तुहानू चुनिया तो तुसी उन्हां दी उम्मीदां दे खरे भी उतरो। बिल्कुल बिल्कुल मैं तुहानू पहले ही दस रहा वा साडा मकसद आ मतलब कि आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी की सरकार का मिशन आ साडे मान साहब का मिशन आ ते पंजाब नू साफ सुथरा बनाउणा रंगला पंजाब बनाउणा पंजाब दे विच मतलब के जिहड़ा पानी समस्या मतलब पानी की समस्या गल करदे अज पोल्यूशन पानी पोल्यूटड हो रहा हवा पोल्यूटड हो रही है उहनू सही करना पर मैं फिर दसदा भी जिहड़ा 74 साल का सिस्टम खराब होया उह सवा साल च नहीं हो सकता सी फिर भी लगे हुए हां अज जिन्ने काम 74 साल दे विच नहीं होए ते पहले मतलब के सवा साल दे विच जिन्ने सरकार ने काम करते इतिहास कट के देख लो ते अज गल करदे हां जी आपां 600 की गरंटी की गल करते हैं वो शुरुआत हो गई है। मेरे हल्के अज 7 आम आदमी क्लीनिका शुरू हो गई ने और लोगों को फ्री दवाई फ्री मतलब इलाज हो रहा फ्री टेस्ट हो रहे हैं। पर विपक्ष का कहना तो यह है कि जी मान सरकार है शुरलियाँ देकर पिछे हट जाती बस अनाउंसमेंटा करती है पर इंप्लीमेंट कुछ नहीं करती जे उन्होंने कुछ किया हों फिर उन्होंने कहने की लड़ना पैंती उन्होंने अज मतलब के एक मतलब के डर पिया हो जिमें दिल्ली के अज तीजी बारी आम आदमी पार्टी सरकार है तो सारिया पार्टियां जीरो हो गई तो उन्होंने डर पिया होया भी इतने जिमें मान साहब सरकार कर रही है तो वह भी जीरो होने वाले ने इस करके डर पिया है उन्होंने इस करके डर सता रहा वा भी कोई ना कोई हल कर लिए पर पंजाब के लोग बहुत ही सूझवान बहुत समझदार ने उन्होंने अज इतिहास रचिया 74 साल का जिहड़ा इन्हां सरकारां ने मतलब के गंद पाया सी उहदी झाड़ू ने वोट पा के सफाई की आ ते आने वाले समय के भी जो उम्मीदा रखी उन्होंने वो पूरी करके देवे। सो MLA साहब ने पूरा विश्वास जताया है कि जिहड़ी लोगों दी परेशानियां असी जल्द तो जल्द हल करन दी कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो असी पूरे उन्होंने उम्मीदा के खरे उतरन का कोशिश कर रहे हैं। सो नवे अपडेट नाल असी फिर हाजिर होवांगे उदों तक बने रहो कैमरामैन प्रिंस दे नाल जसप्रीत सिटी होम न्यूज़।